अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये देखें, माशाल्लाह हाइड्रा हमारे सैलून में आ चुकी है। आज मैं आपको हाइड्रा मशीन के टूल्स के बारे में बताऊंगी और स्पेशली इसका यूज़ क्या है और कौन कौन से टूल से क्या क्या बेनिफिट्स आएंगे। जी प्लीज़ आयशा, ज़रा इसके बारे में मुझे डिटेलिंग से बताएँ। सबसे पहले आप जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हमारे पास हाइड्रा फेशियल मशीन है, ठीक है। इसमें इस तरह के डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं जो डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स उनको क्लियर करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये आ जाता है स्क्रबर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो होती हैं वो आपको रिलीज करता है। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास सकर, ठीक है, इसको एयर ब्रश भी बोलते हैं। इसमें आपके ये जो हमने यहाँ पे तीन बॉटल्स यहाँ पे मेंशन हुई हैं, इनमें से अलग अलग टाइप के अलग अलग स्किन के लिहाज से सीरम्स रिड्यूस होते हैं। बैक पे दो बॉटल्स हैं, एक में वेस्ट मटेरियल जाता है और एक में मिनरल वाटर फिल करते हैं, जो कि यहाँ से आपको रिलीजिंग उसकी मिलती है। वो बॉटल्स किधर हैं जी? ये हो गई वो बॉटल्स जिसमें कि वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज होकर जाता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है वैक्यूम, एयर ब्रश भी इसको बोलते हैं। इससे ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और डेड स्किन जो होती है वो रिमूव हो जाती है, प्लस इसके जो आपके पोर्स होते हैं वो डीपली क्लीन होते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाती है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से आपकी जितनी भी ढलकी हुई स्किन है, फाइन लाइंस है, फ्रैकल्स हैं, रिंकल्स हैं, ये इसको रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ये अवर एज के लिए यूज़ होगा बेसिकली, हर टाइप की स्किन के लिए, ठीक है ना। इसमें अलग अलग टाइप, अलग अलग हिसाब से आप अपनी मर्जी के स्किन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। लाइक ये देखें, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग टाइप से आप सेट कर सकते हैं। मीन्स अगर 10 हम यूज कर रहे हैं तो 10 कौन सी एज के लिए यूज होगा? जो बहुत ज़्यादा मच्योर होगी, ठीक है ना, जो इस काबिल हो कि आप उस पर यूज़ करें, ठीक है। अदरवाइज जो नॉर्मल 20 to 25 एज की लड़कियां करवाती हैं उस, वो इतनी ज़्यादा उनको ज़रूरत, नीड भी नहीं होती। और प्लस क्योंकि हमने उस चीज़ को ये साथ में सीरम्स भी आप इससे पेनिट्रेट कर सकते हैं स्किन के अंदर। अच्छा, ये हमारे पास फोर्थ टूल आ जाता है, इसको स्प्रे बॉटल बोलते हैं, स्प्रे गन भी बोलते हैं। इसमें हम ये एक बॉटल है, इसमें हम सीरम फिल करते हैं, ठीक है, और यहाँ से ये स्विच ऑन करते हैं और स्प्रे शुरू हो जाती है। लाइक ये वाला, ओके। अभी हमारे पास फिफ्थ आ जाता है आरएफ टूल, ठीक है। ये फाइन लाइंस, रिंकल्स, स्पेशली जिनकी लटकी हुई स्किन है, ये उन चीज़ों को बड़ी जल्दी रिमूव करता है। ये आपकी स्किन को लिफ्ट करता है, ठीक है। जिनकी पफीनेस अंडर आई हुई हो, डार्क सर्कल हुए हो, ठीक है, ये उस चीज़ के लिए स्पेशली बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। और हमारे पास ये सेकंड लास्ट टूल आ जाता है, ये है कूल हैमर। इससे इसको हम अपनी मर्जी से, ये जो तीन चार टूल हैं इनको अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस के मुताबिक और स्किन के मुताबिक आप यहाँ से इसकी फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली ब्राइटनिंग देता है, स्किन टाइटनिंग देता है, प्लस आपकी स्किन लिफ्ट भी होती है इससे, और प्लस आपके पोर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा, जिनकी स्किन के ऊपर एक्नी हो रही हो, उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक क्लियर करता है। प्लस पॉइंट इसका ये भी, आपके ओपन पोर्स को बहुत जल्द मिनिमाइज करता है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है LED मास्क, ठीक है। ये इसमें, इसको बेसिकली लाइट थेरेपी भी बोलते हैं, ठीक है जी। इसको आप अकॉर्डिंग टू स्किन, जितनी भी आपको, जिस बंदे को जितनी ज़्यादा नीड है, जितनी ज़्यादा स्किन डैमेज होगी उस हिसाब से उतनी ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे। ओके, तो इसमें कितने कलर्स हैं? इसमें तकरीबन 8, 7, 10 कलर होते हैं, ठीक है। तो वो उस लिहाज से डिफरेंट डिफरेंट लाइट, डिफरेंट डिफरेंट थेरेपी के हिसाब से दी जाती है। जिस स्किन स्किन को जिस तरह से नीड होगी, आप उस तरह से उस लाइट को कितनी लाइट्स हैं इसमें बेसिकली? 8 से 9 है। 8 से 9, ओके। ब्लू लाइट किस लिए? ब्लू लाइट्स मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, ठीक है, ब्राइटनिंग देती है, प्लस आपकी जो फ्रेकल्स, ये रिंकल्स वगैरह जो भी होते हैं, स्पेशली जो डार्क स्पॉट्स आ रहे होते हैं, उनको बहुत जल्दी। अच्छा, और मल्टी लाइट मींस हम यूज़ कर सकते हैं? जो ज़्यादा एजड लोग हैं या जिनकी काफ़ी कम एज है, बच्चियाँ, हर टाइप के लिए आप मल्टी कलर में भी यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ऑल ओवर आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं ना वो आपको मिल जाएंगे।
अब मुझे बताएं कि ये जो नीचे सीरम्स हैं बीसी, ये मीन किस लिए यूज होंगे? फर्स्ट वाला सीरम जो है वो डिहाइड्रेशन के लिए, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो, ठीक है, या फिर पैची स्किन के ऊपर पड़े हों, ये उस स्किन के लिए यूज होगा। सेकंड वाला जो है ये एक्नी वाली स्किन के लिए ऊपर, ठीक है, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्नी शेक्नी हो रही है या ओपन पोर्स है और बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा है, ये उसके लिए। और सेब, ठीक है, ये बॉटल आप ऑल स्किन टाइप पे यूज कर सकते हो, लाइक अगर किसी की ड्राई है, मल्टी किसी की मिक्स स्किन होती है ना, बहुत ज्यादा ड्राई, कभी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा ऑयली होना शुरू हो जाती है, एक्नी होना शुरू हो जाती है, तो उस स्किन को हम बोलते हैं मल्टी स्किन, मल्टी टाइप स्किन होती है वो, उसमें हर चीज ही आ जाते हैं जी। हाइड्रा बेसिकली आपकी एज को रिकवर करेगा, जो स्किन एज ज़्यादा हो चुकी है उसको बेबी स्किन की तरफ लेके आएगा, आपके रिंकल्स, एक्नी, ब्लैक हेड्स, प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग रिमूव करेगा। बेसिकली इससे वाइटनिंग रिजल्ट नहीं आएगा, इट विल गिव यू ग्लोनेस प्लस बेबी स्किन बन जाएगी। मीन्स देखो मेरी एज समझ लो कि 35 है, अगर तो अगर मैं हाइड्रा फेशियल का एवरी मंथ ट्रीटमेंट ले रही हूँ तो इससे मेरी स्किन की फ्लफीनेस बिल्कुल कम हो जाएगी और मेरी एज 35 से एटलीस्ट 25 लगना स्टार्ट हो जाएगी। और ये आजकल बहुत ट्रेंड में है बिकॉज इसका वर्क जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इसमें ब्लीच वगैरह तो यूज़ कर नहीं रहे। ब्लीच वगैरह हम तब इसमें रिकमेंड करते हैं जब किसी भी स्किन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हुए हैं जी। प्लीज़ ये फेशियल करवाएं बिकॉज़ ये बहुत बेस्ट है।